हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इनसे जो है एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही है, चाहे वो 6 मार्कर में देख लीजिए, चाहे वह 3 नंबर में देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आधुनिक इतिहास के नोट्स हैं। जो आधुनिक इतिहास के नोट्स आप लेंगे या आपने लिए हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पहला है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम कैसे लिखेंगे? देखिए, बहादुर शाह कोई भी अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना है, तो कोई भी 3 मेन पॉइंट उस सब्जेक्ट के बारे में आपको लिखना है। तो बहादुर शाह प्रथम का उपनाम शाह आलम था, इनको शाह आलम प्रथम भी कहते थे। इनका समय जो है 1707 से 1712 ईस्वी में रहा था। इतिहासकारों के अनुसार यह अंतिम मुगल बादशाह था। खफी खान ने इनको शाह ए बेखबर कहा। खफी खान ने इनको क्या कहा? शाह ए बेखबर कहा। फ्रेंड्स, इसी तरह मैं आपको करीब 500 से 1000 क्वेश्चन का एक बढ़िया कलेक्शन देने वाली हूँ अभी कुछ दिनों में। उसी पे मेरा काम चल रहा है। बस आपको क्या है कि कभी कभी जो लोग जॉब करते हैं, आप वही 500-1000 क्वेश्चन पढ़िएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका ज़रूर निकलेगा, उनमें सभी क्वेश्चन समाहित होंगे। इसके अलावा आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। गुनगुन ग्रुप में केवल वही लोग हैं जिन्होंने नोट्स लिया है। 21 पेड ग्रुप है, जहाँ पे डेली आंसर राइटिंग और एग्ज़ाम के लिए अपडेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। दूसरा है जहांदर शाह। तो जहांदर शाह का जो काल है वो 1712 से 1713 ईस्वी का काल है। हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप की नीति का इन्होंने पालन किया। यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया। इन्होंने क्या किया? यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। 1712 से 1713 ईस्वी इनका काल था। हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप की नीति का इन्होंने पालन किया था। नेक्स्ट है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का समय क्या था? 1713 से 1719 ईस्वी तक का ये समय था। इन्हीं के समय बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी। इनको घृणित कायर कहा जाता था। मुगल शासक जो है, जो फर्रुखसियर थे उत्तरवर्ती, मतलब जो बाद के लास्ट के जो मुगल शासक बचे थे, तो इन्हीं के समय क्या हुआ था? इन्हीं के समय बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी, और इसको घृणित कायर जो है कहा जाता था। फर्रुखसियर को क्या बोलते थे? फर्रुखसियर को घृणित कायर बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में क्या मेन क्वेश्चन है? तो मोहम्मद शाह के बारे में क्या लिखेंगे कि औरंगजेब के बाद जो सबसे अगर लंबा शासन किसी का रहा है, तो वो मोहम्मद शाह का ही रहा है। औरंगजेब का सबसे लंबा शासन रहा है मुगल शासकों में, लेकिन उसके बाद जो रहा है वो मोहम्मद शाह का रहा है। 1719 से 1748 इनका समय रहा था, और इनको संगीत से बहुत लगाव था, और ये हर चीज़ में मतलब अपनी रुचि रखते थे, जिस कारण से इनको रंगीला भी कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है कि रंगीला किसको कहा जाता था, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था। औरंगजेब के बाद इनका सबसे लंबा शासन था। 1719 से 1748 तक इनका शासन रहा है। संगीत से इनको बहुत लगाव था, और इनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है अहमद शाह। अहमद शाह का जो समय है 1748 से 1754 है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद इनका शासन रहा है। इनके समय अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए। किन के आक्रमण हुए? अहमद शाह अब्दाली के, इन्हीं के समय जो है आक्रमण हुए हैं। 1748 से 54 तक शासन रहा, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद रहा और शासक रहे, और इनके समय अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्या है? आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय का शासन रहा था 1754 से 1759 तक। आलमगीर जो द्वितीय, उनका शासन कब से कब तक रहा था? 1754 से 1759 तक रहा। इनके समय प्लासी का युद्ध हुआ, और गाजीउद्दीन फिरोज जंग को इन्होंने वजीर बनाया। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय। तो 1759 से 1806 तक इनका शासन रहा। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ, वाडी बाजो 1760 में हुआ, वो शाह आलम द्वितीय के समय ही हुआ, और शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था अली गौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वितीय। ये क्वेश्चन, एक अकबर द्वितीय के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने ही दी थी। यही वो मुगल शासक है जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। इनका समय 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले ये प्रथम मुगल बादशाह है। और ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में आने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन है, तो अकबर द्वितीय ही है। नेक्स्ट है बहादुर शाह द्वितीय जफर। मुगल वंश का ये अंतिम शासक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था, जिसके बाद इन्हें रंगून पहुंचा दिया गया था और वहीं पे इनको मार दिया। और 1837 से 1858 तक इनका शासन रहा था। नेक्स्ट है नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के समय क्या प्रभाव रहे, तो मोहम्मद शाह के काल में घटी ये महत्वपूर्ण घटना है। 13 फरवरी 1739 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने 17 फरवरी 1739 में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह के काल में घटी ये महत्वपूर्ण घटना है। प्रभाव क्या रहा था, पतन उन्मुख जो मुगल साम्राज्य की जड़ें हैं उन पर गहरा आघात किया। पश्चिम उत्तर प्रांत में मुगलों की स्थिति और दुर्बल हो गई। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसने दिल्ली की जनता को क्या है, लूट लिया था। शहर में राख और मुर्दे का ढेर लग गया था। जनता की नज़र में मुगलिया सल्तनत की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी। तो ये सभी काम जो कब हुए थे, जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, वो लगभग पूरा भारत का जितना भी पूरा पैसा था वो लूट कर ले गया था, जिसके चक्कर में ये सभी स्थितियां हो गई थी। तो निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष था नादिर के आक्रमण के सकारात्मक परिणाम ने साम्राज्य के पतन को बढ़ा दिया। दूसरे अफगानों का रास्ता भी आने का इसने साफ कर दिया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन है जो उत्तरवर्ती मुगल शासक टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक मैंने अपने ग्रुप जो है आधुनिक इतिहास का, उसमें अपडेटेड आंसर्स में दिया था। इसी प्रकार से कोई भी टॉपिक बनाकर मैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो उस ग्रुप में दे देती हूँ। और एग्ज़ाम तक आपके लिए इतना सारा आंसर्स का कलेक्शन उन ग्रुप में मैं दे दूँगी, ताकि आपको कहीं बाहर से परेशान ना होना पड़े। तो आप भी अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944 पर, जहाँ आपको प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाएंगे नए सिलेबस के अनुसार, जिसमें आपको कहीं बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा। इसके अलावा मेंस के पूरे 1 से 6 पेपर तक के नोट्स मिल जाएंगे, सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी बोथ में। इसके साथ साथ आप अगर सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं हैंड रिटन, जो कि 13 फाइलों में रहेगा, जिसमें 8 फाइलें रहेंगी और करीब 1300 पेज रहेंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिखी जो लिंक है उसमें से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।